गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हमारा क्वाड्रेटिक का 17 लेक्चर है। इससे पहले मैं 16 लेक्चर ले चुका हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज पिछले साल के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब आपने अगर ये वीडियो देख ली तो मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ आपको क्वाड्रेटिक में कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज से हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.2 उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ये बुक में 5 क्वेश्चन है, ये 6ठा एग्जाम्पल है, इसको जान के लिया मैंने क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से, फैक्टराइज मेथड से। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या करते थे सबसे पहले, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इस माइनस के 10 की मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा माइनस 1 इंटू 10 मतलब माइनस 10। अब माइनस 10 के इस हिसाब से टुकड़े करेंगे कि प्लस माइनस करके तो माइनस 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। तो देखो फैक्टर क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे मेरे को माइनस 5 और प्लस का 2, दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 5 टू जै 10 माइनस का 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये मेरे फैक्टर मिल गए। तो मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, इस पूरे में से क्या को मना रहा है, x को मना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5। और इसी तरीके से देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे है x और यहाँ पे भी कितना है x, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 2, तो इस प्लस के 2 को यहाँ लिख दो एज इट इज, और इस ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ लिख दो x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो, जीरो प्रोडक्ट रूल, दो चीज़ मल्टीप्लाई में होके जीरो दे दिया, मतलब या तो ये जीरो होगी या ये जीरो होगी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इधर से क्या लिख रहा हूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस 5 मतलब x इक्वल टू 5, एक आंसर आ गया। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 माइनस 2 मतलब x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे दो इसके सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड, बचपन से सीख रहे हो आप लेकिन आज तक सही से सीख नहीं पाए, क्यों, क्योंकि सीखने से ज़्यादा आपने रटने पे ध्यान दिया है, आपने चीज़ों को सीखा ही नहीं, आपने क्या किया बस जैसे तैसे रट लिया और रट के मार्क्स ले आए और मार्क्स ला के आप खुश हो गए कि अरे बहुत अच्छा काम कर दिया, वही चीज़ आप सीख लेते तो आज आपको दिक्कत ना होती, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये वाला इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा पूरा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या करेंगे देखो ध्यान से, इस माइनस के 6 की मल्टीप्लाई इस 2 से, तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, माइनस 6 इंटू 2 मतलब माइनस का 12। अब माइनस के 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस माइनस करके तो 1 दे दे और मल्टीप्लाई करके 12 दे दे। तो देखो मेरे फैक्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, माइनस 4 और प्लस का 3, इन दोनों को ऐड करो, वो प्लस का 4 और माइनस का 3, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये मेरे फैक्टर है, तो क्या फैक्टर मिल गया मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे भी कितना है x, इसके आगे कितना है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा माइनस 3 है, तो माइनस 3 को एज इट इज लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ छाप दो, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आ जाएगा देखो ध्यान से, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही है, मतलब तो या तो ये 0 के इक्वल होगी या ये 0 के इक्वल होगी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर से x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 0 प्लस 3 मतलब 2x इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 मतलब x इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक,
ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान आसान से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सबसे प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसको बहुत बच्चे गलत भी करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं समझते कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है रूट वाला। इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करेंगे रूट 2 से, तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ठीक है। तो हमें पता होगा रूट 2 मिलके पूरे पूरे 2 बन जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, मतलब कितना आया 10। अब 10 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो देखो फैक्टर क्या मिलेंगे, मेरे को फैक्टर मिल गए प्लस का 5 और प्लस का 2। आई बात समझ में, क्लियर है? तो 5 टू जा 10 और 5 प्लस 2 7, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यही इसका असली कंसेप्ट है। देखो इसको मैं इधर ले आया और इसको इधर ले आया, कुछ फर्क पड़ा? अब यहाँ पे साइन नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने यहीं पे रीअरेंज किया है, मतलब एक ही तरफ, मतलब LHS की तरफ। अगर LHS से RH की तरफ ले जाता तब साइन बदलते, मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझाता हूँ। तो क्या लिख लूंगा मैं, रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख के कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अभी भी हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, क्यों? अब इसमें रूट 2 को जिस तरीके से रूट 2 मिलके 2 हो गए, उसी तरीके से दोबारा से 2 मिलके क्या हो जाएगा, रूट 2। तो इस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ फिर से रूट 2 इंटू रूट 2। क्यों लिखा मैंने ऐसा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 2x² प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, कुछ को मना रहा है? बिल्कुल को मना रहा है, क्या? रूट 2, रूट 2 को मना रहा है और x को मना रहा है। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस रूट 2, क्लियर है यहाँ तक? हमेशा की तरह इस बार भी वही, यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 5। तो प्लस का 5 एज इट इज लिख दो और इस ब्रैकेट को यहाँ छाप दो, मतलब क्या आ जाएगा ये, एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पूरा मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता भी है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर जीरो दे रही है, मतलब ये भी जीरो के इक्वल और ये भी जीरो के इक्वल, मतलब x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और इधर से क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 माइनस रूट 2, मतलब x इक्वल टू माइनस रूट 2, एक तो सॉल्यूशन ही आ गया। और यहाँ से क्या आएगा, रूट 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, मतलब रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, मतलब x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, क्लियर है? ये दो आंसर आ गए, आ गया समझ में? बहुत ही अल्टीमेट और अच्छे लेवल का, मतलब एक वैरायटी वाला क्वेश्चन था ये, अच्छे से समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी की एक खासियत है कि सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। भले ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के देता है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस एक्स वो माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्यों ना एलसीएम ले लिया जाए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ गया 8, और ये कितना हो जाएगा 2x² इंटू 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 अब कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्लस के 1 की मल्टीप्लाई इस 16 से,
ठीक है। तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, कितना आ रहा है ये 1 × 60 मतलब 60। अब 16 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके तो माइनस 8 आ जाए और प्लस माइनस करे वो मल्टीप्लाई करके वो 16 आ जाए और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके माइनस 8 आ जाए। तो क्या फैक्टर मिल रहा है देखो ध्यान से, माइनस का 4x और माइनस का 4x, दोनों को ऐड करो माइनस का 8x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई करो 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक मेरे को फैक्टर मिल गए। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, 16x स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 4 और x, तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितना है 4x और यहाँ पे भी कितना है 4x, एक्स्ट्रा क्या है माइनस, तो खाली माइनस तो कॉमन लेंगे नहीं, तो माइनस का 1 लेंगे, तो माइनस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 और ये भी कितना हो जाएगा 4x माइनस 1। दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, इसका मतलब ये रिपीटेड रूट का कंसेप्ट है, दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे। ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया मेरा, दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल है, मतलब ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, मतलब क्या लिखूंगा मैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब 4x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1/4 और यहाँ से भी क्या आएगा 4x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब 4x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1/4। तो दोनों वैल्यू अल सेम है, क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड रूट का कंसेप्ट है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आई बात समझ में? सारे क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूँ मैं लाइन से, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को, इन तरह के फैक्टराइजेशन क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 100x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? एज यूजुअल हमेशा की तरह इस प्लस के 1 की मल्टीप्लाई इससे 100 से, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, लिख के दिखा देता हूँ मैं, 1 × 100 मतलब 100। अब 100 के ऐसे टुकड़े कि उनको ऐड करने पे तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए। तो देखो ध्यान से क्या फैक्टर होंगे, माइनस का 10x और माइनस का 10x, दोनों को ऐड करो माइनस का 20 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 100 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या फैक्टर मिल गया मेरे पास 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या को मना रहा है 10 को मना रहा है और x को मना रहा है, तो यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1 और यहाँ पे देखो वही बार बार की तरह इस बार फिर वही पे, यहाँ पे कितना है 10x और यहाँ पे भी कितना है 10x, एक्स्ट्रा क्या है माइनस 1। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे एज इट इज, ये और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, मतलब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो ये भी कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और फिर यहाँ से 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होगी 0 है, मतलब ये भी 0 ये भी 0, मतलब कितना आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब 10x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1/10 और यहाँ से भी क्या आएगा देखो ध्यान से 10x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब 10x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1/10। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट कैसे करेंगे, ठीक है, ये मिटा देता हूँ पूरा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस के 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, कितना आ जाएगा 3 × 2 मतलब 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको ऐड करके तो माइनस का 2√6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो देखो मैं क्या टुकड़े लिख रहा हूँ, माइनस √6x और माइनस √6x,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल 6 आ रहा है, बिल्कुल। दोनों को ऐड करो, माइनस का ये आ रहा है, बिल्कुल। तो फैक्टर क्या मिले मेरे पास, 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3x। ध्यान से देखना, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि मैंने ऐसा अभी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही चीज़, माइनस का 2 माइनस और अंडर रूट 3x। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, प्लस के 2 को प्लस का अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखो, और इधर इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखना, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। क्या आएगा ये, इधर से रूट 3 और एक्स बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चों को ना समझ में आए कि सर कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3x है, दोनों को बाहर निकाल दो, क्या बचा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3x और यहाँ पे भी क्या है, अंडर रूट 3x। एक्स्ट्रा क्या है ये, मतलब इसके सामने एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख दो, माइनस का अंडर रूट 2 और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ छाप दो, तो क्या आएगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। क्लियर है यहाँ तक, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, वो एक ब्रैकेट में, और इधर से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक, पूरी डेफिनेशन अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, क्या दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल है, मतलब ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, मतलब अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, और इधर से अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। क्या आएगा, अंडर रूट 3x इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2, मतलब x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा के 2 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट 3x इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 2, मतलब रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2, मतलब x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, मतलब x इक्वल टू पूरे पे अंडर रूट लगा के 2 अपॉन 3। तो ये दोनों x की मेरी वैल्यू आ गई। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दे क्वेश्चन थे ये, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट समझ लिया होगा आपने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे अब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज 4.3 का, 4.2 का क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर whose sum is 17 and product is 182। दो नंबर पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई हम नंबर को मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। अब क्या दिया हुआ है, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द टू नंबर हुज सम इज, मतलब किसका सम, हुज मतलब इनका, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 27, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 27। ये हो गई इक्वेशन 1। आगे क्या कह रहा है, एंड प्रोडक्ट, एंड मतलब और प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, इसका, कितना दिया हुआ है, 182, मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 182। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, दो इक्वेशन दो अननोन, सर कैसे सोल्व करेंगे, देखो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो यहाँ से x को या यहाँ से y को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये हो गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 27 माइनस वाई, या y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3, ठीक है,
तो इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू x में लेके चल रहा हूँ, आप y में लेना। इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, तो x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 27 माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और इंटू में y ऑलरेडी है, इंटू y इक्वल टू 182। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहाँ ले गए, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 182 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27y। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर सबसे पहले, फिर माइनस का 27y, फिर प्लस का 182, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके फैक्टर करने हैं, किसके फैक्टर, 182 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होंगे, तो 182 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 182 इंटू 1 मतलब 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर कि उनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और प्लस माइनस करके 27 आ जाए, तो मुझे फैक्टर पता है, आप निकाल लेना क्या अन फैक्टर होंगे। देखो ध्यान से, माइनस का 14x और माइनस का 13x, ठीक है, ये दोनों फैक्टर है, आई बात समझ में? तो क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल y, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 13, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यू आई, y माइनस 14 और y माइनस 13 इक्वल टू 0, दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही है, मतलब ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, मतलब y माइनस 14 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा, y माइनस 13 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 प्लस 14 मतलब y इक्वल टू 14, पहला आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 13 मतलब y इक्वल टू 13। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्यों इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, देखो अगर मैं y को 14 ले रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग y इक्वल टू 14 एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी, इसमें, इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो x ऐसे ही रहा 27 और y की जगह कितना रख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, y की जगह 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 13, मतलब y को जब मैंने 14 लिया तो x कितना आया, 13, तो ये एक आंसर है मेरा, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ और ये मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग y इक्वल टू 13 और तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 13 मतलब x इक्वल टू 14। अब ध्यान से देखो ना, जब y को मैंने, एक तो ये आंसर हुआ, अब जब y को मैंने 13 लिया तो x कितना आया, 14, तो ये इसका पूरा ये आंसर है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना, ये पूरा ही इसका आंसर है, मतलब चार वैल्यू आएगी। क्यों चार वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है, आई बात समझ में, तो ये पूरा करके ना तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना बेटा कि x बड़ा है कि y बड़ा है, और ये भी नहीं पता कि 13 की 14 से, मतलब ये तो चल ठीक है मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, आई बात समझ में, कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसलिए इसके चार आंसर आएंगे। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करना, आप आधा अधूरा करके आते हो इसलिए आपको आधे अधूरे नंबर मिलते हैं और आप सोचते हो कि मेरा सही है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो नोट डाउन कर लो इसको, अगला देखते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी का, वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, फाइंड टू कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है,
क्यों जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो बहुत बच्चे इसको गलत करेंगे। दो नंबर मान लेंगे एक्स और वाई, उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स और वाई आपने दो वेरिएबल माने और आपको दो इक्वेशन चाहिए, यहाँ कंडीशन तो एक ही है ना, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे? तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे पहले ये समझ लेते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा टू और थ्री, तो टू के बाद क्या आता है थ्री, तो इस टू को तो मैंने ऐसे ही रखा, इस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ टू प्लस वन। उसी तरीके से मैंने लिखा टेन एंड इलेवन, तो इस 10 को तो मैंने एज इट इज रखा, इस 11 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 प्लस 1। तो देखो कंजुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जब पुराने नंबर में प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो नया नंबर मिलता है, उसी को बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीजर, मतलब लगातार आने वाले। तो यहाँ पे अगर अब मैं 2 को, इस 2 को मैं x मान लेता हूँ, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। उसी तरीके से इस 10 को अगर मैं x मान लेता हूँ तो ये 10 भी क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो कंजुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, x, x प्लस वन, x प्लस टू, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे दो हैं तो दो ही लेने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट इन पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव दिया है ना, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर इक्वल टू x, और क्या लिख लेंगे यहाँ पे सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x प्लस वन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज, मतलब हुज मतलब जिनके, किनके, इनके, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है 365। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, आप इसका काम पड़ेगा बाद में, तो इसलिए पहले ही एडवांस में मिटा के रख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू 365। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर जस्ट अभी करके आ रहे हैं जिनका, ये देखो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो x और x प्लस 14। ठीक है, और यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 13, तो माइनस का 13 लिख लिया, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 है, मतलब x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 13, मतलब x इक्वल टू 13, ये एक हो गया नंबर, और यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 माइनस 14, मतलब x इक्वल टू माइनस 14, दूसरा नंबर हो ये हो गया। इसको हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये कैसा है निगेटिव, तो फर्स्ट नंबर क्या है 13, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर इक्वल टू 13 प्लस 1 मतलब 14, तो ये वो दो नंबर है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम का, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।